मैं अकेला सुना बन बन तू। हाँ हाँ मैं अकबर, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, चल अब बस्ती चलकर असलम को तलाश कर ले। असलम तुम उसकी फिक्र ना करो, वो दो चार रोज में खुद घर आ जाएगा। खुद घर आ जाएगा, वो कैसे? अबे वो अपने घर से ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता, वो खुद आ जाएगा। अपने घर से? अबे कह दिया ना आ जाएगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। कुछ चाय पानी? नहीं नहीं कुछ ठंडा गरम? नहीं नहीं कुछ लस्सी चाय। अरे यार अपने छोटे सरकार ने तो कई पलट दिए, जब चाहते किसी एक न एक की मरम्मत कर डालते। बुरी तरह, मगर एक बात है, मुझे तो छोटे सरकार पे जिन्नातों का साया मालूम देता है। हाँ, अरे भाई किस पर जिन्नातों का साया है? माफ करना छोटे सरकार, दरअसल ऐसा है ना, ताज्जुब की बात है कि कल तक इन घर वालों ने तो आपकी बेइज्जती की, मगर आज आपने भी तिगनी का नाच नचाया हुआ है सरकार, तिगनी का। ये सब वक्त की बात है, छोटे सरकार आप हमारे साथ ना बैठा करें, पहले भी आपको हमारे साथ देखकर डिप्टी साहब बहुत गर्म हुए थे, अगर अब की डिप्टी साहब ने आपको हमारे साथ देख लिया तो आपके साथ हम सब की भी खैर नहीं। अबे अब कुछ नहीं होगा। अच्छा आइए भाई। मैंने तुम्हें कई दफा कहा है कि नौकरों के साथ नहीं बैठा करते। नौकरों के साथ बैठने में शर्म किस बात की अब्बा जी, ये भी हमारी तरह इंसान है। आइए आप भी बैठिए। आइए भुट्टा भाई। नहीं नहीं ले ना। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू तो कहाँ बैठ इधर। भुट्टा सरकार, सरकार भुट्टा का ये अच्छा बुरा काम। असला मैं सो रहे हो या जाग रहे हो? हा? ये खाली पेट सुबह सुबह किसका इंतजार कर रहे हो? समझ में नहीं आता वो अब तक आया क्यों नहीं? कौन अब तक क्यों नहीं आया? मेरा भाई असलम। असलम? अरे तू असलम नहीं है तो और कौन है? अब कौन सा असलम आएगा? मैं असलम ही हूँ, मेरा मतलब है मेरा भाई अकबर, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। अकबर? अरे तेरा दिमाग ठीक है क्या? अकबर को पता बताया था जो यहाँ आ जाता? ये उसी का घर है खलील, उसी का घर है। समझ में नहीं आता असलम अब तक अपने घर वापस क्यों नहीं आया। फिर वही बात, अबे मुझे तो अब तुझसे डर लगने लगा। चाची मुझे खलील के बच्चे तू बाहर नहीं आएगा? वो असलम है ना, असलम असलम क्या असलम असलम लगा रखी है, चल इधर आके बैठ। शोर मचाता है। क्या कह रही हो माँ? कुछ नहीं। मालूम नहीं मेरा भाई क्या काम करता है, मुझे आज काम पर नहीं जाना चाहिए। माँ आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर यहाँ हवा में क्यों खड़ा है? चल अंदर चल के लेट, मैं वही नाश्ता लेके आती। बस अब ठीक है माँ, मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा। अभी तुझे अपने भाई का इंतजार करना चाहिए, अगर तूने इस वक्त माँ पर अपनी हकीकत खोल दी तो वो असलम की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। बेटा जब खुदा को मंजूर होगा तभी तो मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ देख सकूंगी ना। तू इस कदर रंज क्यों करता है? अगर खुदा ना करे तुझे कुछ हो गया तो। तुम फिक्र न करो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।